गोरखपुर महोत्सव के तहत रीजनल स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रीजनल स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, धीरज सिंह, हरीश सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। समापन अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में जयप्रकाश निषाद ने कहा, पूरा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने की तरह तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है, जिससे खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने प्रतियोगिताओं में विजयी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि खेलों में हार जीत तो लगा ही रहता है, खिलाड़ी ऊंचे मनोभाव से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद और क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे ने कहा, पहलवान को ब्रिजेश कृष्णा नगर के लिए ये कुश्ती अच्छा मारा था उस गेंद को, अच्छा रिसीव होता है यहाँ पर और अच्छी सर्विस यहाँ पर, तीन नंबर की सर्विस, अच्छा रिसीव, लेकिन वहाँ पर तीन नंबर की सर्विस जिसको क्रॉस करेंगे बच्चों को दो सब। इस देश की सरकार निश्चित तौर पर युवाओं के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन करने का काम कर रही है। आज पूरे देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं अपने देश का स्वदेशी अपनाओ, अब खेल के जगत में तमाम तरह के प्रतिभागियों को और अपने देश के युवाओं को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल को आगे बढ़ाने का काम समय समय पर निश्चित तौर पर पूरे देश में किया जाता है। आज उसी कड़ी में यहाँ के हम लोगों के आरएसओ साहब ने, पांडे जी ने मुझे भी आमंत्रित आप लोगों के बीच में किया है। मैं आने वाले इन प्रतिभागियों को, कुछ लोगों ने इस खेल में जीता होगा, कुछ लोग फर्स्ट आए होंगे, कुछ लोग सेकंड आए होंगे, कुछ लोग थर्ड आए होंगे, की कामना करता हूं। आप लोगों ने तरह तरह का यहां खेल खेला है और आयोजन जो हुए हैं उसमें आप लोगों ने अपने आप को, अपने हुनर को दिखाने का काम किया है और मैं उन सभी छात्रों को, भाइयों को, बहनों को, सबको मैं ढेर सारी आने वाले उनके भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किया जाए, आपकी बातें खिलाड़ियों को प्रेरणा देंगी और मैं उम्मीद करूंगा कि खिलाड़ी इन बातों को आत्मसात करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आ जाओ आ जाओ, रनर अप, रनर अप है प्रीति पाल,
विनर है आदित्य यादव हैं, वो भी स्टेज पर आ जाएं। संजय श्रीवास्तव जी, ये पुरस्कार वितरण समारोह जो होता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है और सारे खिलाड़ी पाकर के उत्साहित भी होते हैं। जो लोग सेकेंड होते हैं सो अगले नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आने का प्रयास करते हैं। ये आयोजन हमेशा तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं और इसमें इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जितनी कोशिशें होती हैं प्रयास रहता है। खेल एक बहुत बड़ी नौजवान शक्ति के रूप में खेल का प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे नौजवानों का मनोबल ऊंचा उठता है और अपने भविष्य को भी बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है खेल के माध्यम से आज जगह जगह, कोई किसी क्षेत्र में, कोई रेलवे में, कोई फोर्स में, कहीं भी इन लोगों की जहाँ भी उपयोगिता है वहाँ इनको लेकर के इनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम। पूर्व महोत्सव में कुल 8 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाएं थी। एक विशेष स्पर्धा भी थी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ट्राई साइकिल रेस, जिसका आयोजन महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। आज समापन हुआ आपके समक्ष माननीय राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। जो विजेता खिलाड़ी थे, आज केवल महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कल 12 तारीख को पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का समापन हुआ था, आज महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं का समापन हुआ, जिसमें आज के समक्ष माननीय मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए अपना आशीर्वाद भी दिया। सर, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से जो पिछड़ गए हैं या हार गए हैं या जो रनर नहीं बन पाए उनके लिए? उनके लिए ये प्रतियोगिता तो प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी, गोरखपुर महोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा, प्रत्येक वर्ष खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। तो खिलाड़ी से निराश ना हो, जो विजेता विजेता हुए हैं उनको बधाई, और जो पदक नहीं जीत पाए या प्रतियोगिता में समापन में फाइनल में नहीं पहुँच पाए हैं उनको अगले वर्ष के लिए शुभकामना कि और मेहनत करें, और जो वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो अगले साल प्राप्त करें। खेल में हार और जीत एक अंग है और इसे निराश नहीं हुआ जाता है। खिलाड़ियों को हमेशा हार को भूलते हुए, निराशा को छोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।